साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए जो राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आज टॉपिक टेस्ट 9 होने वाला है राजस्थान में पशुधन को लेकर। तो इसके आपको 55 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर इससे पहले वाले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ में ही जो कल्चर की क्लासेस हैं वो भी आप देख लेना, वो उसकी भी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी वाला पशु कौन सा है? तो सर्वाधिक पशु वाला देखिए घोड़ा, भैंस, भेड़ और गधे। तो सर्वाधिक कमी वाला पशु कौन सा है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, गधे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के अनुसार निम्न में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? देखिए बकरी, जखराना, भैंस, बदावरी, गाय, राठी, भेड़, चौंकला। तो कौन से पशु की यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नस्ल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए भैंस की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती हैं वो या तो मुर्रा होती हैं या फिर खुंडी होती हैं, ठीक है, मुर्रा या फिर खुंडी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बकरी की जखरानाएँ सर्वश्रेष्ठ नस्ल, गाय की हैं राठी और भेड़ की चौंकलाएँ। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? देखिए राठी, थारपारकर, चौंकला और कांकरेज। तो गाय की नस्ल यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चौंकला। ये किसकी है? ये भेड़ की नस्ल है चौंकला। क्वेश्चन नंबर 4, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। देखिए सर्वाधिक गोवंश ये कहाँ पर है? बीकानेर। सर्वाधिक सुअर, तो सर्वाधिक सुअर है जयपुर के अंदर। सर्वाधिक भेड़ हैं बाड़मेर में और सर्वाधिक ऊँट हैं जैसलमेर में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा हो गया राइट आंसर? देखिए 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर भरता है? कोटा, करौली, नागौर और झालावाड़। तो चंद्रभागा मेला कहाँ पर भरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़ में। ये भरता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक, और कहाँ पर भरता है? जादरापाटन झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मालवी वंश के पशुओं के लिए विख्यात मेला कौन सा है? कौन से पशुओं के लिए? मालवी वंश के पशुओं के लिए। तो वीर तेजाजी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, बहरोड़ पशु मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला। तो 6 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, चंद्रभागा पशु मेला। देखिए ये मालवी जो वंश हैं इनके पशुओं के लिए विख्यात मेला चंद्रभागा पशु मेला, जो कहाँ पर बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है ये भी, और ये बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, ठीक है, कृष्ण पंचमी तक लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान ऊन उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान रखता है, जो भारत के कुल ऊन उत्पादन का यहाँ पर प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो 37.44%, 45.80%, 28.30% और 70.72%। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, 37.44%। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, अबिका नगर स्थित अनुसंधान केंद्र किससे संबंधित है? भेड़, सुअर, भैंस और ऊँट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भेड़ों से संबंधित है अबिका नगर अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है? टोंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में ऊँट का अनुसंधान कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और राजस्थान पशु अनुसंधान संस्थान। तो राज्य में ऊँट का अनुसंधान जो कार्य है किसके द्वारा संचालित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या है 6, 10, 8 और 12। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10। क्वेश्चन नंबर 12,
भेड़ की वह नस्ल जिसे भारत के मेरिनो के नाम से जाना जाता है, नाली, चोकला, मगरा, मालपुरी, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, चोकला। ठीक है, ये सर्वोत्तम किस्म की भेड़ हैं और ये सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ भी कही जाती है, चोकला भेड़। क्वेश्चन नंबर 13, जखराना बकरियाँ राज्य के किन किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं? कौन सी? जखराना, सिरोही, अलवर, नागौर और जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, अलवर में। ठीक है, जो जखराना बकरियाँ हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 14, बकरी की बिना सिंग वाली नस्ल जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया था, बर्बरी, शेखावाटी, जमुनापरी और सिरोही। तो काजरी के विज्ञानों के द्वारा तैयार की गई नस्ल दें बकरी की जो बिना सिंग वाली नस्ल है, तो कौन सी है? तो 14 के अंदर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, शेखावाटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य का वह गांव जहाँ की बकरियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, पुगल बीकानेर, गोमठा जोधपुर, वरुणगांव नागौर और नाचना जैसलमेर। तो कौन से गाँव की बकरियाँ पूरे देश में विश्वभर में प्रसिद्ध हैं? तो 15 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वरुणगांव नागौर की बकरियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? तो भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और अलवर। तो राइट आंसर यहाँ पर जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? अलवर, कोटा, अजमेर और टोंक। तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है? जयपुर, धौलपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डूंगरपुर। डूंगरपुर का कितना पशु घनत्व? 433। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पशु संख्या वाले जिले हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम, तो बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर धौलपुर, उदयपुर धौलपुर और उदयपुर मसौड़ा। तो 19 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2020 में 48वां राष्ट्रीय डेयरी इंडस्ट्री सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ? उदयपुर, अलवर, भरतपुर और जयपुर। तो 20 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? सर्वाधिक खच्चर बाड़मेर, अलवर, हनुमानगढ़ और जयपुर। तो सर्वाधिक खच्चर है अलवर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? तो मंडोर जोधपुर, नोहर हनुमानगढ़, अविकानगर टोंक और कोडमदेसर बीकानेर। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? तो राइट आंसर है इसका अविकानगर टोंक। क्वेश्चन नंबर 23, बड़वारी नस्ल संबंधित है भेड़, गाय, बकरी और मुर्गी। तो बड़वारी नस्ल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बकरी से संबंधित है। ठीक है, ये सर्वाधिक सुंदर बकरी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी जिलों में। कौन सी है? बकरी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से असम्मिलित युगम को छांटिए। देखिए, श्री बलदेव पशु मेला भरतपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, रामदेव पशु मेला नागौर और वीर तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर। तो इसमें से असम्मिलित कौन सा है? तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, श्री बलदेव पशु मेला। ये भरतपुर में नहीं होकर कहाँ पर बढ़ता है? ये लगता है मेड़ता सिटी नागौर में। ठीक है, नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से असम्मिलित युगम को छांटिए। देखिए, पशु हैं और इधर हैं नस्ल। देखिए, ऊँट बीकानेरी, भेड़ मालपुरी, बकरी सिरोही, गाय पर्वतसरी। तो इसमें असम्मिलित कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गाय। यहाँ पर दे जो पर्वतसरी नस्ल है, तो ये किसकी है? ये है गाय की ना, और किसकी है? बकरी की। ठीक है, बकरी की है पर्वतसरी। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति झालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिले में पाई जाती है? मालवी, थरपारकर, कांगरेज और राठी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कांकरेज।
क्वेश्चन नंबर 27, कतला, रोहू, महासीर नस्लें हैं मुर्गियों की, घोड़े की, मछली की और सुअर की। तो कतला, रोहू और महासीर ये नस्लें किसकी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा, मछली की। क्वेश्चन नंबर 28, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर, नागौर, करौली और बाड़मेर। तो महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, करौली में। और ये कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा से फागुन कृष्ण सप्तमी तक, ठीक है, माघ पूर्णिमा से फागुन कृष्ण सप्तमी तक करौली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में कौन सा युग्म असत्य है? देखिए, चंद्रभागा पशु मेला, झल्लावाड़, सारणेश्वर पशु मेला, नागौर, मलिनाथ पशु मेला बाड़मेर और जसंत पशु मेला भरतपुर। तो इन चार में से कौन सा एक असम्मिलित है? तो 29 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन पर दूसरा, सारणेश्वर पशु मेला, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है सिरोही में, ठीक है, सिरोही। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 30, गोगामेड़ी पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो गोगामेड़ी कहाँ पर बढ़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बगरू जयपुर, संगानेर जयपुर, झोटवाड़ा जयपुर और जामडौली जयपुर। तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जामडौली जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 32, किस नस्ल के घोड़े मजबूत और दौड़ने में उत्तम होते हैं? यह नस्ल पोलो खेल में प्रयुक्त की जाती है। तो सिंधी, मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। तो 32 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 3, मालानी, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार के घोड़े होते हैं जो मजबूत होते हैं और दौड़ने में भी उत्तम होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है पोलो खेल में। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? झालावाड़, जालौर, नागौर और भरतपुर। तो कहाँ पर बढ़ता है ये गोमती सागर पशु मेला? झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 34, गलत युग्म कौन सा है? देखिए, पशु और दृढ़ नस्ल, भेड़गिया, मगरा, भैंस, जरवाड़ी, बकरी, सिरोही और ऊँट जैसलमेरी। तो चार में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, जो झरवाड़ी है ये किसकी है? भैंस की ना होकर किसकी है? बकरी की है, ठीक है, बकरी की है झरवाड़ी। और ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है झरवाड़ी बकरी। क्वेश्चन नंबर 35, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है बीकानेर, चूरू, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो भेड़ों की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी खेरी नस्ल? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, जोधपुर, नागौर और पाली में। कौन सी नस्ल? खेरी नस्ल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, सुअर का मांस कहलाता है मटन, पोर्क, सेवन और बीफ। तो सुअर का मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए, ऊँट की दूधनी के लिए तो कौन सा प्रसंस्करण मिनी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? नागौर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भेड़ की वह नस्ल जो चरतेस में जिसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं, तो पुगल, जैसलमेरी, सोनाड़ी और बागड़ी। तो 38 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाड़ी। देखिए, ये बड़ी नस्ल है जो चलते समय इनके जो कान है वो जमीन पर स्पर्श करते हैं, सोनाड़ी। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF किस नाम से दुग्ध उत्पाद बनाता है? सरस, कृष्ण, कृष्णा, अमूल और लोटस। तो 39 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सरस। क्वेश्चन नंबर 40, गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? कांकरेज, नागौरी, थारपारकर और राठी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, राठी, जिसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी? तो 2015, 2013, 2012 और 2014। तो 19वीं पशुगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2012 में। क्वेश्चन नंबर 42,
वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार गोवंश की संख्या के अनुसार राजस्थान का स्थान है 8वां, 6वां, 7वां और 5वां। तो इसके अंदर है 6वां, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 43, कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2002, 2003, 1999, 2000, 1997, 1998, 1995 और 1996। तो कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1997 और 1998। प्रश्न नंबर 44, देखिए सूची एक को सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें, देखिए उत्तर पश्चिमी राठी पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी काकरेज, पश्चिम में पाई जाती थार पारकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती इसमें गिर। तो सभी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 145, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2018-19, 2019-20, 2015-16 और 2020-21। तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2020 और 21। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में केंद्रीय मुर्गा फार्म कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। तो मुर्गा फार्म कहाँ पर स्थित है? तो 46 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से भेड़ की कौन सी एक नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? चोकला, मगरा, सोनाड़ी और नाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सोनाड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले हैं? बांसवाड़ा, धौलपुर, अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर है बांसवाड़ा व धौलपुर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, गाय की सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है? थारपारकर, साहिवाल, नागौरी और गिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थारपारकर। ठीक है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा है? तो 50 के अंदर राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला है? बीकानेर, जोधपुर, पाली और नागौर। तो 51 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा, पाली। क्वेश्चन नंबर 52, सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित हैं? दही बिलोने से, गलीचा निर्माण से, कृषि कार्य से और सिंचाई से। तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दही बिलोने से। क्वेश्चन नंबर 53, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु आमद वाला पशु मेला है? रामदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, जसवंत पशु मेला और गोगामेड़ी पशु मेला। तो 53 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या पूछा है, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पशु आमद हुई थी कौन से पशु मेले से? तो गोगामेड़ी पशु मेला, जो कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में 20वीं पशुगणना कब से प्रारंभ की गई थी? 1 जुलाई 2017, 1 अगस्त 2019, 1 अक्टूबर 2018 और 16 अगस्त 2016। तो 20वीं पशुगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 अक्टूबर 2018। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो यह पशु मेला पर्वत से नागौर में बढ़ता है, श्रवण और पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है और यह मेला जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये तीनों इसके अंदर सही है। देखिए ये मेला मानासर नागौर में बढ़ता है, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये राजस्थान के पशुधन को लेकर 55 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके अन्य आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में एक जो कल्चर की टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज़रूर देख लेना, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हमारा टेलीग्राम चैनल है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको अपडेट कराई जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।